नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक, जहां देश में लॉकडाउन लगाने के बाद हर संभव प्रयास किया जा रहा है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस टीम पहुंची पटरी दुकानदार की दुकान बंद करवाने, तो पटरी दुकानदारों ने कर दिया पुलिस पर ही हमला, जिसके अंदर इंस्पेक्टर का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और अंगूठे में उनके सूजन आ गई। तो वहीं पर जब लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने जेल जाते हुए टेम्पो में बैठे आरोपियों से पूछा कि क्या हुआ था उस रात, तो बताया पैसा लेने के लगाए गंभीर आरोप पुलिस पर। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, लखनऊ की। या उन्हें कुछ नहीं करा था। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था? अमन शर्मा नाम है। अमन शर्मा नाम है। वो देवेंद्र सराय और सतीश सराय दोनों लोग आए गाड़ी से, दुकान नहीं बंद करा। हमने कहा सर, उसने दुकान बंद कर दिया। सतीश कुमार पांडे जी। हमने कहा सर दुकान बंद कर दिया, खाली वो बर्तन मांज रहा है क्योंकि कल लॉकडाउन लग रहा है, पता चला है, और कल से दुकान नहीं लगेगी, वहीं पर सारा सामान रखा जाता है। उसको दो घंटा मार दिए, जब हमने बोला, हम उसके बड़े भाई हैं, जब हमने बोला कि उसको आया तो दुकान संभालने तो उसको भी हमको मारा। रुक जाओ, मारे इनको बैठाने के चक्कर में सर की चोट लगी हाथ में, और ये क्या है ना, सबको उठाना है अंदर, बहुत मारे, अब हाथ जोड़ रहे, पैर जोड़ रहे, साफ मेरे चक्कर में आ रही है। हमने 4000 रुपए भी दिए थे उनको इस मामले में, लेके ले जाना, ले जाना। हाँ, ये बात है ना, अभी मारने के बाद ये बात है ना, 4000 रुपए लिए थे मेरे। अरे भैया हट के, भैया प्लीज हट, एक मिनट भैया प्लीज, तुम चलो यार, ले जाना रुक जाओ। बड़ा राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक घुमचे वाले, एक ठेले वाले को गिरफ्तार किया और अभी उसको जेल भेज दिया, जहां उसके पिता लगातार आशियाना थाना की पुलिस से गुहार लगाते रहे कि आखिर मेरा कसूर क्या है, किस वजह से मेरे बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की तस्वीरें साफ नहीं की। अभी जानते हैं पीड़ित पिता से पूरा मामला क्या था, किस वजह से आखिर गिरफ्तार किया गया। समझे, जो है हमारे लड़के को मारा पीटा है, इतना मारा पीटा कि लॉकअप में मारा पीटा है। क्यों मारा पीटा? और जो छुड़ाने आए हैं, हाँ, उनको भी उसी में बंद कर दिया है। किसने बंद कर दिया? पुलिस ने, यहाँ के मतलब आशियाना थाना क्षेत्र के यशो का कहना है कि हाथ उठाया, हाथ जब नाबालिग बच्चे हैं, अपना किसी तरीके से रोजी रोटी चलाते, खोमचा लगा के अपना जो है पढ़ाई करते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। और कभी सर लॉकडाउन लगा है, इस वजह लॉकडाउन लगा है, इस वजह से जो हम दुकान बंद करा रहे थे, वहाँ चौराहे पर इसकी चेकिंग कर ली जाए कि वहाँ पे जो है वो मतलब तो मांज रहा था बर्तन, अपने मांज रहा था, पुलिस का ये अधिकार दे दिया गया है कि वो पुलिस अब किसी को लॉकअप में मार दे, ऐसा जुल्म करेगी पुलिस तो जो है जनता कहाँ जाएगी। लॉकडाउन के नाम पर लूट मचा रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं, बच्चों से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो दुकानदारों से पैसा वसूल करते हैं जाके। कितने लोगों को लेके गए? यहाँ हमारे बच्चे दो लोगों को बंद किए हैं। ये बताइए मौके पे क्या, कौन लोग थे जो दुकान बढ़ा रहे थे? हमारा छोटा भाई जो है दुकान लगाता है रंजीखंड बस स्टैंड पे, ठीक है, हमारा छोटा भाई लगाता है, दुकान बढ़ा चुका था, मौके पे पुलिस पहुंची, उन्होंने बोला कि जो है कि लॉकडाउन है, दुकान कैसे खुली है, तो उन्होंने कहा सर मैं बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा छोटा भाई जो है अमन शर्मा, वो वहाँ पर पहुँचा था दुकान का सामान उठाने के लिए, तो पुलिस जो है उससे बदतमीजी की है, उसके बाद जो है उसको पकड़ के ले गई, और पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है कि उसने मेरे साथ हाथापाई की। आप बताइए कि 16-17 साल का लड़का हाथापाई करेगा प्रशासन से? प्रशासन ने उसके साथ गलत किया, पूरी रात उसको मारा है, उसके बाद 10 धाराएं लगा के उसको भेज दिया जेल, प्रशासन ने गलत किया है। कितने लोगों को भेजा जेल? दो लोगों को जेल भेज दिया, दो लोगों को बैठा ले, रात में मेरा भाई आया तो छुड़ाने, उसको भी बैठा लिया अंदर। नाम क्या? नितिन शर्मा, बिक्की, दोनों लोग आए थे उसको छुड़ाने। सर क्या बात हुई है? उनको भी बैठा लिया। फिर सुबह मेरे पिताजी आए,
सुबह हमारे पिताजी आए छुड़ाने के लिए, उन्हें भी मेरे छोटे भाई को भी बैठा लिया, पिताजी को भी हमारे बैठा लेते थे। बहुत प्रशासन गलत कर रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वैसे भी हम लोग परेशान है और परेशान प्रशासन कर रही है हमें। पुलिस प्रशासन इसका शोषण कर रही है, पैसे धन उगाही करते हैं दुकानदारों से। हाँ, पैसा लिया है नितिन से 4,000 रुपया लिया पांडे जी ने। कौन पांडे जी? ये पांडे यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं या दरोगा हैं उनको हम नहीं जानते, 4,000 रुपया लिया है। हाँ, किला चौराहे के पांडे जी जो हैं उन्होंने पैसा लिया है। यहाँ यशो साहब धन की उगाही करवा रहे हैं, रात में मुलजिम को लाकअप में डाल के मारते हैं। ये अधिकार क्या शासन प्रशासन का यही है कि आदमी कोरोना से परेशान है, अगर किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता तो उसको जरा सा देर हो जाए तो उसको लकब में डाल दो, मारो पीटो, ऐसा होता है। मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि इसकी जांच कराई जाए, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी ले गए हैं कचहरी, कचहरी ले गए हैं जमा मेडिकल कराने के बाद कचहरी ले गए। अरे हम कहते हैं उसने गलती की है, हम कहते हैं मानते हैं लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, मानने की क्या जरूरत थी? उसको उठा के आप बंद कर देते, आप चालान कर देते, मानने की पूरी रात क्या जरूरत थी? जरा सा लड़का, उसको तुमने पूरी रात मारा। जैसा कि पीड़ित परिवार से हमने बात की, जहां पर उन्होंने थाना आशियाना पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं पर आशियाना थाने के प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता से हमने बात की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि किस तरह से रात्रि में जब चेकिंग के दौरान उस 8 बजे रजनीखंड चौराहे पर पहुंचे तो कबाब पराठे की ये दुकान लगा ही हुए था, जिसको हटाने के लिए उन्होंने उससे कहा, लेकिन उसके बाद उसने काफ़ी अभद्रता शुरू कर दी, जिसको लेकर पुलिस ने भी कार्रवाई करना शुरू किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना आशियाना परमहंस गुप्ता के अंगूठे पर गंभीर चोट आई है, जहाँ पर अंगूठे में सूजन है उन्होंने बताई, जिस कारण से पुलिस उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके लाई थी। वहीं पर बात करें कि दो लोग जो और भी गिरफ्तार हुए हैं उनके पर अभी किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, दो लोगों के पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस से हाथापाई का यह मामला था, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस से हाथापाई हुई और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस जिस तरह से रात्रि लॉकडाउन 8 बजे से लग जा रहा है उसका पालन कराने के लिए राजधानी की आशियाना पुलिस वहाँ गई थी, लेकिन पुलिस से हाथापाई के कारण आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की। सहयोगी प्रतीक के साथ मैं लखनऊ से विक्रम।